वाली हूँ एक सरप्राइज। तो ये सरप्राइज आप लोगों के लिए भी है और जिसके लिए है वो तो ऑब्वियसली है ही है। तो अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक दो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो को। तो आज किसी का बर्थडे है और वो बर्थडे किसका है ये चीज थोड़ी सी स्पेशल है और सरप्राइज भी है। तो गैस करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है आज किसका बर्थडे। तो अभी अपन लोग मार्केट वगैरह चलते हैं, सामान वगैरह लेकर आएंगे डेकोरेशन का, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग भी करनी है। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अपन लोग चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। जिसका भी बर्थडे है उसके लिए थोड़ा बहुत सामान खरीदना है और शॉपिंग करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि आखिर बर्थडे है किसका। तो आइए चलिए। तो चलिए गाइस अपन लोग चलते हैं शॉपिंग के लिए। अब यहाँ इन लोगों का टाइम पास चल रहा है, पता नहीं क्या। हाँ और अच्छा अच्छा हाँ, फिर चलिए दफा होते हैं। तो अब अपन लोग जा रहे हैं मंडी, थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लेनी है एंड आगे तो बताते हैं। लेट्स गो। मैंने लौकी ले ली है, सामान और लेने हैं हम लोगों को, वो बताएंगे बाद में। तो अब अपन लोग चल रहे हैं फ्रेंड्स क्या लेने। आज घर पर इडली और सांभर का प्रोग्राम रखा है, तो अभी हम लोग रवा लेने जा रहे हैं। रवा लेना है और सांभर मसाला लेना है, देन आगे का मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। का सामान लेने और जिसका बर्थडे है उसके लिए केक लेने, और जैसे ही आप लोग केक देखेंगे आप लोग समझ जाएंगे कि किसका बर्थडे है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो पूरे मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है और गणेश जी की बड़ी प्यारी प्यारी सी मूर्तियाँ हैं। देखो जूम करना, पहले मुझे एक बात बताओ कि बाबू घर का काम करती है। घर का काम कौन करता है? मम्मा सो जाती है और काम किसे करना पड़ता है? ओ बाप रे, बेचारी बाबू को पूरा काम करना पड़ता है। अच्छा बुआ को कुछ ही दे दो, फिर बुआ ले चलती है। अच्छा बाल हटाओ, आप घर नहीं जाओ, अब चलते हैं। So, अभी जस्ट हम लोग मार्केट से आए हैं, सभी लोग आ गए हैं लगभग। अब हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट करने वाले, तो आइए चलते हैं डेकोरेशन।
सो फाइनली गाइस समथिंग सब कुछ हो गया है, पीछे एकदम बराबर में। अब धीरे धीरे और भी चीजें करनी है और अभी डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो जैसे ही डेकोरेशन कंप्लीट हो जाती है अपन लोग फिर मिलेंगे। ओके डेकोरेशन रह गई है, बाकी सब हो गया। मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि सुबह से ये वो फलाने ढिमका और अब सब डेकोरेशन भी लगभग हो गई है, तो अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। मैं गंदी शक्ल नहीं दिखा सकती। अरे वो मैं एक बात बताना भूल गई कि जब तक मैं रेडी होने जा रही हूँ तब तक आप वो ना हो, इसलिए मैं कुछ सिनेमेटिक्स लेकर आई हूँ। जो लोगों को आना था वो सभी लोग आ चुके हैं और अब बस पापा की एंट्रेंस बाकी है, तो वेट करिए पापा की एंट्रेंस का। तो ये मम्मी को अगेन प्रपोज करते हुए कहां फंसी। सो पापा हाउ इज योर फीलिंग कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। केक कटने का वेट कीजिए आप सब लोग, अभी केक कटने वाला है। आज छोटी तो ये केक एंट्रेंस होते हुए वैसा ही वैसा होगा। एक सुलमो में फोड़ेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। उल्टा घुमा रहे हो, उसका पहले पैकेट फाड़ना पड़ता है यार, क्या गुंडा बनोगे। चलो इसमें छेद करके उड़ा दो। मेरा नोट एक मिनट क्लोज अप करना। मेरे नोट ये बदबू कहां से आ रही है? अभी हम उसे जल लियो। मेरा नोट अगर तू ऐसा पिला रहा है खा लो। ये बहुत अच्छे से हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं सुबह से इधर उधर और अभी घर में सफाई वगैरह भी करनी है, देन मेरे को सो जाना है एकदम घोड़े घाड़े बेच के। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड तक उसे प्यार देने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।